सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ ने किया शॉकिंग खुलासा। क्या रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बयान देने का दबाव डाला जा रहा है उन पर? आखिर क्या है सच्चाई? आइए जानते हैं कि सिद्धार्थ ने क्या कहा। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के क्रिएटिव मैनेजर सिद्धार्थ पिठानी ने मुंबई पुलिस को एक ईमेल लिखकर ये जानकारी दी है कि उन पर रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बयान दिए जाने को लेकर सुशांत के परिवार वालों की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, जबकि वो इस बारे में कुछ नहीं जानते हैं। सिद्धार्थ ने मुंबई पुलिस को ईमेल भेजते हुए बताया, 22 जुलाई को मेरे पास सुशांत के परिवार से ओपी सिंह, मीतू सिंह और एक अनजान नंबर से कॉन्फ्रेंस कॉल आया, जहां मुझसे रिया चक्रवर्ती के बारे में और उनके और सुशांत के माउंट ब्लैंक में जब वो रह रहे थे तब के उनके खर्चे के बारे में पूछा गया। फिर 27 जुलाई को मेरे पास एक और अनजान नंबर से ओपी सिंह का फोन आया और उन्होंने मुझसे रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बिहार पुलिस को बयान देने के लिए कहा। मुझसे कहा गया था कि मेरे पास एक कॉल आएगा। उसके बाद मेरे पास एक अनजान नंबर से कॉल भी आया, लेकिन 40 सेकंड के बाद वो कॉल कट गया और कोई बयान दर्ज नहीं हुआ था। मुझ पर रिया के खिलाफ वैसे बयान देने के लिए दबाव बनाए जा रहे हैं, जिस चीज की मुझे जानकारी नहीं है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि रिया भी सुशांत की फैमिली की तरफ से सिद्धार्थ पिठानी पर रिया के खिलाफ बयान देने का प्रेशर बनाने का इल्जाम लगा रही है। सिद्धार्थ ने जी न्यूज से बात करते हुए इस मामले में कोई भी कमेंट करने से मना किया और कहा कि वो इस मामले में किसी से कोई बात नहीं करना चाहते। सवाल ये भी है नेटिजन्स के मन में कि आखिर सिद्धार्थ रिया के बचाव में क्यों उतरे? क्या उन्होंने ये ईमेल रिया और उनके वकील के कहने पर भेजा है, या मुंबई पुलिस ने अपनी थ्योरी के मुताबिक ये ईमेल करवाया है? इतना ही नहीं, आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक रिया भी सुशांत के रिश्तेदार पर आरोप लगा रही है। सुशांत के परिवार वालों के एफआईआर को झूठा बताने के बाद रिया ने सुशांत के रिश्तेदार, जो कि हरियाणा में पुलिस के एडीजी है, उन पर आरोप लगाए है। रिया के मुताबिक बिहार पुलिस की एफआईआर के पीछे सुशांत के उसी रिश्तेदार का हाथ है। अब ये केस सिर्फ उलझता ही जा रहा है। देखना होगा कि इस केस में कौन सही है और कौन गलत। इतना ही नहीं, ये केस अब कौन सा नया मोड़ लेगा ये भी देखना होगा। आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या आपको भी लगता है कि सिद्धार्थ पिठानी मुंबई पुलिस या फिर रिया के वकील के दबाव में आकर ये मेल कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि सुशांत के परिवार वाले ही सिद्धार्थ पर दबाव बना रहे हैं? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।